बच्चों आज मैं मॉड्यूल फोर का लास्ट कंटेंट बताने जा रहा हूँ, जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन बाय अनदर नेम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वही हमने लिखा भी है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब डाटा द क्लस्टर अराउंड ए मीन ऑन एवरेज। आर एवरेज मीन्स जो भी डाटा इसमें हम फाइंड आउट करते हैं वो कहीं ना कहीं मीन के अराउंड ही मूव करता है, मीन के अराउंड ही एग्जिस्ट करता है। द ग्राफ ऑफ द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज वेल शेप्ड विथ ए पीक एट द मीन एंड इज नोन एज गॉसियन फंक्शन आर बेल कर्व। ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल लाइन है। बेल शेप्ड आपने ग्राफ अगर आपने देखा हो तो ग्राफ इस तरह बेल शेप्ड ग्राफ ऐसे होता है जो आप दिख रहा है, यही नॉर्मल कर्व का ग्राफ है, इसी को हम बेल शेप्ड ग्राफ बोलते हैं। शो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द फार्मूला। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मतलब ये है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं, पीएक्स इज इक्वल टू 1/σ रूट 2π ई टू दी पावर -1/2 इन ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू दी पावर का होल स्क्वायर। हियर सिंस दिस प्रोबेबिलिटी दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सो नाउ हियर एक्स वेरी फ्रॉम -∞ to ∞ वेयर म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू और सिग्मा के बारे में आगे आपको बताया जाएगा कि क्यों म्यू मीन होता है और सिग्मा क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसको निकाल के बता डिराइव किया जाएगा। यहाँ एक नोट हमने डाल दिया है कि यदि मीन जीरो हो जाए, मीन मीन्स म्यू जीरो हो जाए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वन हो जाए, सिग्मा वन हो जाए, तो ये ऊपर का जो इक्वेशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पी एक्स इज इक्वल टू 1/√2π ई टू द पावर -1/2 एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो विच इज नोन एज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब वेन एवर मीन बिकम्स जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स वन, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स ओके। सो हियर म्यू एंड सिग्मा आर ऑल्सो नोन एज टू पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वंस द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर नोन द शेप आर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली डिटरमिन। मीन्स हमें फाइंड आउट करना क्या है, मीन और सिग्मा। मीन क्या है, मीन मतलब म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। ये दोनों वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट हो तो हम आसानी से इसके ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट सी हियर प्रॉपर्टी, द कर्व इज, आपने फिगर देखा इससे पहले पेज पे, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। किसे कहते हैं, एक बार और देख लें आप कर्व। वर्टिकल एक्सिस मतलब दिस एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस। ये एक्सिस वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो कह रहा है द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल। सिमेट्री के बारे में बताया जा चुका है कि एक जैसा दिखने वाला यह लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वर्टिकल एक्सिस। थ्रू द मीन दैट इज द रिजल्ट ऑफ द सिमेट्री, एज ए रिजल्ट ऑफ द सिमेट्री मीन मीडियन एंड मोड। ये कंटेंट मैंने आपको स्क्यूनेस के दौरान पढ़ा रखा है कि जब कोई स्क्यूनेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस जब जीरो होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल टाइप होता है,
जहां मीन मीडियन मोड दोनों तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये बताया जा चुका है, इससे पहले भी पढ़ाया जा चुका है। अगला दूसरा कंटेंट है, सिंस देयर इज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट इन द कर्व सो इट हैज ओनली वन मोड, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मोड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस कर्व में चूंकि एक मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका एक ही मोड होगा। द कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस दैट इज इट बिकम्स क्लोजर टू एक्स एक्सिस बट नेवर एक्चुअली टचेज इट। जैसा कि एसिम्प्टोट्स के बारे में हमने, आप अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए, एसिम्प्टोट्स आर द लाइन, एसिम्प्टोट्स इज ए टेंजेंट लाइन विच सीम्स टू टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी, मतलब यह एक लाइन है एक्स एक्सिस जो ऐसा प्रतीत होता है कि इस कर्व को इधर बढ़ाएं और इस लाइन को बढ़ाएं तो कहीं जाके टच करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है अनंत स्पर्शी, हिंदी में उसका मीनिंग होता है अनंत स्पर्शी, मतलब ऐसी स्पर्श रेखा जो इनफाइनाइट पर टच करे। तो यहां भी यही है कि द कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस इट बिकम्स क्लोजर टू एक्स एक्सिस बट नेवर एक्चुअली टचेज इट। चौथा जो है, जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एंड अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज यूनिटी विच इज एसेंशियल फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो एरिया होता है, इस कर्व का जो एरिया होता है, अगर आप देखें इस कर्व का जो एरिया होगा, इस कर्व का पूरा एरिया नॉर्मल कर्व का एक होता है। इसका मतलब ये जो लाइन से आप सिमेट्री है, इस पॉइंट पर ये जीरो होता है, जीरो से लेफ्ट साइड 50% और जीरो से राइट साइड 50%, इसका मतलब 0.5% इधर और 0.5% इधर, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, कंफर्म। अब जो अगला कंटेंट है, हम एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस नॉर्मल कर्व्स के थ्रू हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके तीन चार स्टेप्स हैं जो कि आपको देखना है। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, द एरिया प्रोबेबिलिटी अंडर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर कर्व By two ordinate at x is equal to a and x is equal to b is given by this. हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, द एरिया प्रोबेबिलिटी अंडर ए नॉर्मल, ये सारी चीजें अभी प्रॉब्लम में आप देख लेंगे, यहाँ चूंकि थियरी है ज्यादा समझ में नहीं आएगा। द एरिया प्रोबेबिलिटी अंडर ए नॉर्मल कर्व डिपेंड्स ऑन इट्स पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा, म्यू इज अ मीन एंड सिग्मा इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, दज द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व विल चेंज विद द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा, यदि म्यू और सिग्मा चेंज हो जाएंगे तो एरिया भी चेंज हो जाएगा जो नॉर्मल कर्व का है, इफ लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा, जब कभी भी एरिया होगा तो एक ही होगा। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट, अभी आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड, हम किसी एक्स नॉर्मल वेरिएबल रैंडम वेरिएबल एक्स को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड में इस फार्मूले से कन्वर्ट करते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये वैल्यू आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में बताया जाएगा कि ये वैल्यू जेड ही क्यों जेड चूज करते हैं, जो जेड की वैल्यू ये होती है। स्टेप्स क्या है इसके, यूज द ट्रांसफॉर्मेशन दिस टू चेंज द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड, इस रिलेशन का यूज करें पहले सबसे। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी दैट इज दिस, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पी ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, जब हम ए पुट करेंगे इस फार्मूले में एक्स की जगह तो ये जेड वन मिलेगा, और जब हम बी पुट करेंगे तो ये जेड टू मिलेगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए पे जेड वन बी पे जेड टू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां जेड वन और जेड टू इस तरह से डिफाइंड है, क्लियर। नाउ द थर्ड स्टेप बी, एज ए थर्ड स्टेप वी यूज द टेबल ऑफ एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्म, हम बताएंगे आपको कि इस जेड की वैल्यू को निकालते कहां से है, एक टेबल दिया गया होगा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एरिया अंडर द नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का एक टेबल दिया गया, वहां से इस जेड वन और जेड टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जनरली ये फिगर है, आप देख लें, ये ए और बी ऑर्डिनेट है, ये म्यू क्या है, मीन है, म्यू मीन है,
यक्स इक्वल टू ए फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये सेकेंड ऑर्डिनेट, इस पे जो यक्स नॉर्मल वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड वन है, एक्स इक्वल टू बी पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड टू है, इसका फॉर्मूला ये है। ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करके, इस इन स्टेप्स का यूज करके हम एरिया फाइंड आउट करते हैं कि हम कितने परसेंट एरिया में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जिससे हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम करने के दौरान समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मीन और वेरियंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। धन्यवाद।